अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे लगन की रोटी चावल से। ये बहुत ही अच्छी बनती है और 15 से 20 दिन तक आप स्टोर करके भी इसे खा सकते हैं। इसके लिए लिया है मैंने हरी मिर्च 250 ग्राम, इसमें मैंने 5 से 6 लहसुन डाल लिए हैं और मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक। अब मैं इसे फाइन पेस्ट बना लूँगी। मैं लूँगी हरा धनिया, करी पत्ते, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्ची पेस्ट जो मैंने अभी पीस लिया है, ज़ीरा, नमक, हल्दी। ये मैंने फली और तिल दोनों को ही रोस्ट करके ले लिया है। देखिए, अब मैं चावल के आटे में फली, तिल, ज़ीरा, हल्दी और नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून, नमक मैंने लिया है 2 टीस्पून। हरा धनिया और करी पत्ते को भी मैंने धोकर ले लिया है। हरे धनिए को मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्ची पेस्ट। इन सबको हम पानी मिलाते हुए अच्छे से गूंथते जाएंगे। ये ओल्ड इज गोल्ड रेसिपी है। बहुत ही अच्छी रोटियां बनेंगी और बहुत ही टेस्टी, सबको बहुत ही पसंद आएगी। देखिए, इस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हमारे आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। ये हमने लिया है लगभग 1 केजी चावल का आटा। देखिए, हमने इसे अच्छे से गूंद लेना है। गूंदने के बाद देखिए, अब हम इस तरह से बड़ी बड़ी पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरह से, पंद्रह से बीस मिनट तक आप इसे अच्छे से गूंद लें। अब मैं लूँगी एक बड़ी सी लगन। लगन में मैं डालूँगी तेल, कुकिंग ऑयल, और इसे मैं हाथ से अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। देखिए, अब हमने जो पेड़ा बना के रखा है उसको इस तरह से हाथ से फैला लेंगे हम। देखिए, अच्छे से हमें सारी लगन में आटे को इस तरह से फैला लेना है। देखिए, बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही टेस्टी चावल के आटे की लगन की रोटी बनाएंगे हम। देखिए, इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसमें इस तरह से होल डाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, सारे होल में हम ऑयल डाल लेंगे।
अब हम इसे ढककर गैस के फ्लेम को ऑन कर कर रख देंगे। हाई फ्लेम पे आप इसे रखें और देखिए इस तरह से सेंटर से हो चुकी है। अब हम साइड बाय साइड इसे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा सिकने के बाद हमें सेंटर से भी इसका कलर गोल्डन होना चाहिए और साइड से भी कलर गोल्डन होना चाहिए। देखिए अच्छे से हमारी लगन की रोटी सिक गई है। अब हम इसे साइड से थोड़ा सा थोड़ा कर कर अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से कर कर हम हमारी रोटियां निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी सिक गई है रोटी। इसी तरह हम देखिए इस तरह से मैंने दो रोटियां सेक ली है। देखिए सारी रोटियां हम इसी तरह बनाते हुए सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी हमारी लगन की रोटी बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनेगी ये और 15 से 20 दिन तक आप इसे अच्छे से स्टोर करके भी खा सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।